अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 22 जनवरी को होने वाले इस सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम और 26 जनवरी को मद्देनजर रखिए पूरे शहर की सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चारों ओर पुलिस का पहरा है। 360 डिग्री सुरक्षा कवरेज कराने के लिए AI आधारित एंटी माइंड ड्रोन को तैनात भी किया गया है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा सुरक्षा में लगाए गए UP एंटी कमांडो की हो रही है, जिन्हें चप्पे चप्पे पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है ATS, कहां पर ATS को तैनात किया जाता है और कैसे होती है ATS कमांडो की ट्रेनिंग। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। मैं उमंग और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी लखनऊ में ATS का मुख्यालय स्थित है। UP पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2007 में एंटी टेरर स्क्वाड की स्थापना की थी ताकि राज्य में आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। UP का एंटी टेरर स्क्वाड 2007 से ही ऑपरेशनल में है। ये UP पुलिस की स्पेशल यूनिटी के तौर पर काम करती है। राज्य के अलग अलग जिलों में फील्ड यूनिट्स भी बनाई गई हैं, जहां पर कई सारे ऑपरेशनल ATS कमांडो की टीम होती है। ATS की तैनाती आमतौर पर उन जगहों पर होती है जहाँ पर आतंकी गतिविधियों की आहट होती है। इसके अलावा VVIP लोगों की जहाँ भीड़ जुटने वाली होती है, वहाँ भी उनकी सुरक्षा के लिए ATS कमांडो को तैनात किया जाता है। वहीं UP में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कई बार ATS कमांडो को तैनात किया गया है। ATS कमांड बनने के लिए जवानों को 3 एग्जाम्स देने होते हैं। इसमें फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी और टेक्निकल और जनरल नॉलेज टेस्ट शामिल है। शुरुआती परीक्षाओं को पास करने वाले जवानों को ATS ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। राज्य के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर UP ATS कमांड तैयार किए जाते हैं। ज्यादातर मौके पर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में बदलाव होता रहता है। कमांडो को रोटेशन के तहत ट्रेनिंग भी दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी ATS कमांडो की ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में बांटा गया है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान जवानों को आज के समय के हथियार चलाना, उबड़ खाबड़ जमीन पर कूदना, टारगेट शूटिंग, मार्शल आर्ट्स जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। जवानों के स्ट्रेस लेवल की भी ट्रेनिंग इस दौरान चेक की जाती है। बिना हथियार के लड़ना, चाकू से हमला होने पर दुश्मन से किस तरह से निपटा जा सकता है, ये चीजें भी ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। यूपी ATS कमांडो की ट्रेनिंग कुछ हद तक NCS कमांडो की तरह होती है।